आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए सेविंग अकाउंट ओपन कैसे करा सकते हैं। भले ही बेबी को बर्न हुए आपका एक ही दिन हुआ हो, देन फिर भी आप सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और क्या क्या प्रोसेस है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए अकाउंट ओपन कराना है, देन आप गार्जियन के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या आपको ध्यान रखना है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जिस बैंक में आपके ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है उस बैंक में विजिट कीजिए, या फिर जिस बैंक में आप ओपन कराना चाहते हैं, और सबसे पहले आप देखिए कि कुछ हिडन चार्जेस सेविंग अकाउंट में नहीं है या फिर हैं। ये सारी चीज़ आपको पता कर लाना है, क्या क्या आपको चार्जेस देने पड़ेंगे और क्या क्या नहीं देने पड़ेंगे। जनरली कोई ज़्यादा चार्जेज होते नहीं है, बट मैं आपको बता दिया, पहले से पता कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम और आपके बेबी का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका और आपके बेबी का दोनों को देना पड़ेगा। उसके बाद एक कॉपी ऑफ गवर्नमेंट फोटो आईडी इशूड बाई गवर्नमेंट, मतलब एक फ़ोटो आईडी देना पड़ेगा और आपका लगेगा, जो फ़ोटो आईडी लगेगा वो गार्जियन का लगेगा, गार्जियन का लगेगा। उसके बाद आपके बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपके एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड ये सारे डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। तो ये सारे डिटेल्स आपको दे के और आपके बेबी का सेविंग अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, बस गार्जियनशिप आपको ही उस सेविंग अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। और जैसे ही बेबी 18 प्लस होगा देन आप सारे राइट्स बेबी को दे सकते हैं। तो कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।